कि हर संभव प्रयास जो प्रवासी हमारे श्रमिक हैं उनके लिए किया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह भी आदेश किया कि लॉकडाउन का पालन विशेष रूप से 3 जनपदों में, कानपुर, मेरठ और आगरा, इन जनपदों की विशेष समीक्षा उन्होंने की और इन 3 जनपदों की विशेष समीक्षा करने के साथ साथ आज आदेश ये दिया है कि कानपुर के लिए श्री अनिल गर्ग पुनः वहाँ पर जो MD हैं यूपी सीडा के, वो पुनः टीम लीड करेंगे। उनके साथ वरिष्ठ IG स्तर के अधिकारी श्री दीपक रतन साहब जाएंगे और सभी चिकित्सा और चिकित्सा शिक्षा विभाग के भी वरिष्ठ अधिकारी जाएंगे। मेरठ के लिए पुनः आलोक कुमार साहब, विजय प्रकाश साहब जो IG हैं, और साथ साथ 2 और चिकित्सा और चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधिकारी आगरा की समीक्षा करेंगे। मेरठ के लिए श्री टी वेंकटेश प्रमुख सचिव सिंचाई और साथ साथ वहाँ की IG हैं PTC की, लक्ष्मी सिंह जी, वो साथ में रहेंगी और 2 सीनियर जो है हेल्थ डिपार्टमेंट और हेल्थ एजुकेशन डिपार्टमेंट के लोग रहेंगे। तो ये विशेष दल 3 जगहों के लिए बनाए गए हैं और मुख्यमंत्री जी ने आदेश किया है कि इन 3 स्थानों के लिए, कानपुर में, मेरठ में और आगरा में, लॉकडाउन को और मजबूती से देखने के लिए और दिन प्रतिदिन सुबह और शाम रिपोर्ट लेने के लिए भी उन्होंने निर्देश हम सबको दिए हैं, मुख्य सचिव को दिए हैं, गृह सचिव मुझे भी दिए हैं और साथ साथ जो है उन्होंने चिकित्सा विभाग के प्रमुख सचिव को भी दिया है कि इन 3 स्थानों पर विशेष नजर रखते हुए यहाँ पर हर हालत में जो कोविड का पूरा अभियान है इसको नियंत्रित रखा जाए। जो बाहर के राज्यों से हम लोगों ने अभी तक व्यवस्था दी है, आज पूरे प्रदेश में लखनऊ जोड़ते हुए 57 ट्रेनें आ रही हैं, 57 यूपी में 57 ट्रेनें आ रही हैं और इन 57 ट्रेनों में जो है लगभग 1200 अगर यात्री हम मान लें तो लगभग 70,000 यात्री से अधिक जो है संख्या हमारी, 70,000 यात्री से अधिक संख्या केवल आज ट्रेनों से हमारे प्रदेश में आएंगे। आपको ये भी मालूम है कि सुबह तक लगभग 215 ट्रेन पिछले दिनों की आ चुकी हैं और लगभग 2,30,000 से ज़्यादा जो है लोग जो है अलग अलग ट्रेनों से हमारे यहाँ आ भी चुके हैं। ऐसे में भारी संख्या में जो लोग आ रहे हैं ट्रेनों से, इनके संदर्भ में मुख्यमंत्री जी ने आदेश किया है कि रेलवे स्टेशन से इनको जैसे ही रिसीव करेंगे तुरंत जो है इनकी मेडिकल स्क्रीनिंग की जाएगी, चिकित्सक वहाँ मेडिकल स्क्रीनिंग करेंगे, टेम्परेचर नापेंगे और उनका सिम्टोमेटिक टेस्ट जो है वहाँ पर करेंगे और उसके बाद फिर इनको आश्रय स्थल ले जाकर वहाँ भोजन कराकर पानी की व्यवस्था देते हुए बसों में बैठाकर इनको जो है अपने अलग अलग जनपद जहाँ के रहने वाले हैं वहाँ भेजा जा रहा है। जहाँ जनपद पर अपने पहुँचते हैं ये, उनको आश्रय स्थल में पुनः लेते हुए वहाँ से फिर गांव तक पहुँचाने की, होम क्वारंटाइन तक पहुँचाने की व्यवस्था की गई। हर गांव में निगरानी समिति है और वो निगरानी समिति जो है उस गांव में इनके क्वारंटाइन के समय उनकी पूरी देखभाल करती है और ये देखती है कि वो होम क्वारंटाइन में भी रहें और हर व्यक्ति जो गांव में पहुंच रहा है उसके घर पर चस्पा भी किया जाता है कि वो होम क्वारंटाइन में है। तो इस पूरे कार्य के लिए विशेष निर्देश उन्होंने दिए हैं और मैं ये भी आपको बता दूं कि लगभग अब हम लोग अन्य प्रदेशों से, विशेष रूप से महाराष्ट्र से, गुजरात से, पंजाब से, आंध्र प्रदेश से, तेलंगाना से, कर्नाटक से, अब राजस्थान से भी हम लोग जो है ट्रेन चलाने की व्यवस्था करा रहे हैं। तो ऐसे में लगभग 200 ट्रेन लाने की अब हम अनुमति इस समय दे चुके हैं जो अगले 2 या 3 दिनों में हमारे प्रदेश में आएंगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उन्हें आज अस्पतालों में PPE किट, N95 मास्क
और सैनिटाइजर की व्यवस्था करने का भी निर्देश दिया है। और कम्युनिटी किचन के लिए जो विशेष सचिव स्तर के अधिकारी लगाए गए थे उनकी भी जो है उन्होंने जो मौके पर जांच की है उसकी भी आज उन्होंने समीक्षा की और यह उन्होंने निर्देश पुनः दिया है कि किचन के माध्यम से जरूरतमंदों को भोजन की आवश्यकता जो भी है वो अवश्य रूप से मिल जाए। निरंतर जनपदों में साफ सफाई और सैनिटाइजेशन हो, डोर स्टेप डिलीवरी हो, सप्लाई चेन मजबूत रहे, इस ओर भी उन्होंने निर्देशित किया है। आपको जानकारी है कि प्रदेश में टेस्टिंग की क्षमता लगभग 4,500 से 5,000 की अब होने जा रही है। ऐसे में माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश में टेस्टिंग की क्षमता को दुगना करने का निर्देश दिया है और इसमें सेंट्रल लैब्स, अपने प्रदेश की मेडिकल कॉलेजेस की लैब्स, प्रदेश की अपने मेडिकल डिपार्टमेंट की अपनी लैब्स, अन्य विभागों की, पशुपालन विभाग और प्लांट डिपार्टमेंट की बाकी सबकी लैब्स, सबको जो है इस ओर आगे बढ़ाते हुए उनको मजबूत करने का निर्देश दिया है और ये निर्देश दिया है कि अपने प्रदेश में टेस्टिंग की क्षमता को दुगना कर दिया जाए, यानी लगभग 10,000 टेस्ट प्रतिदिन किए जाए। सभी जनपदों में मौजूद वेंटिलेटर्स को फंक्शनल करने का निर्देश उन्होंने दिया है। एनेस्थीसिया के डॉक्टर्स चूंकि वेंटिलेटर्स के साथ लगते हैं उनको भी निर्देशित किया गया है और मेडिकल और स्वास्थ्य विभाग के जो सेवाएं हैं उसमें निर्धारित प्रोटोकॉल का पालन हो, ये निर्देश भी उन्होंने दिया है। नर्सिंग, डेंटल और इंजीनियरिंग कॉलेजेस में L1 कोविड अस्पताल स्थापित करने का निर्देश दिया है। अभी आपको मालूम था, कल हम लोगों ने आपको बताया था कि 53,000 से ज़्यादा L1, L2, L3 बेड्स जो है बन गए हैं। अब उन बेड्स को और आगे बढ़ाने का निर्देश मुख्यमंत्री जी ने दिया है। गृह विभाग के सूचना के अनुसार, पुलिस की सूचना के अनुसार धारा 188 में अब 41,258 FIR दर्ज करते हुए 119 लोगों के खिलाफ नामजदगी की कार्रवाई की गई। विशेष रूप से कानपुर, मेरठ और आगरा का विशेष ध्यान दिया जाएगा और लॉकडाउन अवधि में यहाँ पर यदि आवश्यकता पड़ेगी तो लोगों को चालान भी किया जाएगा, इसलिए यहाँ पर और अधिक सख्ती और लॉकडाउन को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। वाहनों की चेकिंग में लगभग 38,000 वाहन अब सीज कर दिए गए हैं। लगभग 17 करोड़ के आसपास जो है चालान करते हुए धनराशि भी जमा कर दी गई है। हॉटस्पॉट्स के जो एरियाज हैं उनमें अब 71 जनपदों में 467 हॉटस्पॉट्स हैं जो 308 थाना क्षेत्रों में हैं और हॉटस्पॉट के एरिया में 8,77,000 मकान हैं और लगभग 49 लाख जो है वहाँ पर जनसंख्या भी हॉटस्पॉट्स के एरियाज में है। हॉटस्पॉट्स के एरिया में सप्लाई की व्यवस्था को भी और मजबूत किया गया है और हॉटस्पॉट के एरिया में किसी भी तरह से जो है सप्लाई बाधित ना हो यह कार्रवाई अवश्य कर ली गई है। जहाँ तक तबलीगी जमात के संदर्भ में विषय है तो तबलीगी जमात से संबंधित कुल 20 जनपदों में 2,931 व्यक्तियों को जो है आइडेंटिफाई किया गया था और उनमें से 2,670 व्यक्तियों को जो है क्वारंटाइन भी कर दिया गया था। इसके साथ साथ 325 विदेशी जो तबलीगी जमात से जुड़े हुए व्यक्ति थे उन पर भी कार्रवाई की गई है और अब तक 45 FIR भी ऐसे विदेशी लोगों पर जो है दर्ज की गई हैं। जहां तक खाद्यान्न की सप्लाई का सवाल है, अब लगभग 3,18,00,000 कार्ड्स पर राशन का वितरण हो गया है। लगभग जो है 7,32,322 मेट्रिक टन खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण भी कर दिया गया है। प्रदेश में फूड पैकेट्स का वितरण लगभग 10,25,00,000 फूड पैकेट्स का वितरण किया गया है जो एक रिकॉर्ड है और साथ साथ गेहूं क्रय भी काफ़ी तेजी से चल रहा है। 5,774 क्रय केंद्रों से अब 161,00,000 क्विंटल गेहूं की जो है खरीद कर ली गई है। उद्योगों के बारे में आपको मालूम है कि काफ़ी उद्योगों को अब चलाने की अनुमति दे दी गई है, लेकिन जो उद्योग क्षेत्र में हमारे श्रमिक हैं और जो अर्बन एरियाज में श्रमिक हैं, रूरल एरिया में श्रमिक हैं,
कुल 314 करोड़ बांटते हुए 31.42 लाख श्रमिकों को 1,000 रुपया जो है लगातार 1,000 रुपया महीने के हिसाब से वितरण किया गया है। हम ये भी आपको बताना चाहेंगे कि आज की तारीख में जो राजस्व विभाग के माध्यम से जो ऑनलाइन एक निशुल्क सेवा स्थापित की गई है उससे लगभग 69,000 कॉल्स जो है अभी तक प्राप्त हुई हैं, जिसमें से 65,000 कॉल्स का निस्तारण भी कर दिया गया है। तो भारी मात्रा में जो है राजस्व विभाग के कॉल सेंटर के माध्यम से भी कार्रवाई सुनिश्चित कर ली गई है। पुनः मैं बल देना चाहूँगा कि आगरा, कानपुर और मेरठ पर विशेष ध्यान देते हुए वहाँ विशेष टीम भेजी जा रही है जो आज शाम तक या कल सुबह तक वहाँ पहुँच जाएंगी और अपना विशेष कार्य करके इन तीन जगहों पर जो है अपनी आख्या देंगी और ये टीम अभी जनपदों में रहकर ही अपना काम आगे बढ़ाएंगी। मैं प्रमुख सचिव चिकित्सा से रिक्वेस्ट करूँगा कि कृपया अपना वक्तव्य देने का कष्ट करें।